नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार, आपका स्वागत है। आइए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तो चलो वीडियो की शुरुआत करें, उससे पहले आप वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, निम्न में किन के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो सही आंसर होगा गुप्तों के, यानी समुद्रगुप्त के कुछ सिक्के थे, उन पर क्या लिखा होता, वीणा वादन करते हुए दिखाया गया था। और गुप्तों के सिक्के संगीत के प्रति उनके प्रेम को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर है दो, रजमानामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है? तो किसका फारसी अनुवाद है, महाभारत का फारसी अनुवाद है। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? तो सही आंसर होगा बाजीराव सेकंड। क्वेश्चन नंबर है चार, सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? तो महाराष्ट्र में कौन थे, तो इसका सही आंसर होगा ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले थे। प्रश्न नंबर है पाँच, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं, ये युक्ति किसने कही थी? तो ये किसने कही थी, विंस्टन चर्चिल ने कही थी। निम्नलिखित में से कौन 1857 के गदर से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है, चंद्रशेखर आजाद। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो सही आंसर होगा थॉमस मुनरो, थॉमस मुनरो। अलग उसने रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो किस नाम से हुआ था, भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर नौ है, वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल का बर्लिन में स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर होगा चंपाक रमन पिल्ले ने। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो इसके गुरु कौन थे, तो सही आंसर होगा हरिदास। लाल किला निम्नलिखित में से किस पत्थर से निर्मित है? तो सही होगा लाल पत्थर से निर्मित है, लाल किला लाल पत्थर से ही निर्मित है। 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण क्या रहा था? तो नीचे आपको कुछ कारण दिए, इनमें से एक कारण बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही आंसर होगा बी, अजमेर में स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजने एवं सैनिक तैयारियां करना। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान की प्रमुख कई फसलों का उल्लेख किस ग्रंथ में किया जाता है? तो सही आंसर होगा अकबरनामा। अरब यात्री सुलेमान ने किस गुर्जर प्रतिहार शासन काल में भारत आया था? मिहिर बोझ। महाराणा प्रताप किस वंश के राजा थे? तो किस वंश के राजा थे, सिंसोदिया वंश के राजा थे।